गुरु प्यारे, गुरु स्वारे, गुरु के वजीर साहबान, साढ़े परम प्यारे अति सत्कार योग सिंह साहब अते होर प्रोफेसर साहब, विद्वान सज्जन सारे ही इस स्टेज ते सभा विच विराजमान हन। देहो आसीस मुख रसना पवित्र करो अते बुलाओ पते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सारे ही विद्वान सज्जन संत बाबा गुरमीत सिंह जी बड़े डूंगे विचार दे रहे सन। दास अपने बारे कह देवे कि ना कॉलेज गया, ना नॉलेज आई, ना कोई पढ़ाई कीती, कीता तो इको ही कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा, सतपुरखां दी सेवा, महापुरखां दी सेवा। ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुख दा जन्म पया, परमत नानक ता की सरना, जिन तो ना ही विसरिया। संत बाबा सुच्चा सिंह जी दे जीवन कालना बाबत विचार गोष्ठी हो रही है। उन्हां दा जीवन दर्शन 1991 तो मिलाप प्राप्त होया। 1985 दे अंदर पहाड़ां तो उतर के बंदगी करते हुए श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण छोह प्राप्त अस्थान ते आके टिकाणा कीता। आप नाम जपया, नाम जपाया, जिस तरह हुणे बाबा गुरमीत सिंह जी जिक्र कर रहे सन। जदों अस्थान बन रहा सी, आप कई लैके टोकरी लैके अपने हथी कार करते रहे, सेवा करते रहे, करवाते रहे। सेवा करद्यां करद्यां उस परम पिता परमात्मा दी रहमत बख्शिश प्राप्त कीती। सतगुरां दे महान पवित्र बचन हन, सोई संत जे पावै राम, राम गोबिंद का एक है काम। संत ओही है जेड़ा उस रमे हुए रमैये परमेश्वर नूं पा जांदा है, प्यारा लगता है, अते उसते काम उसते कर्म ओहो ही हो जांदे ने जो परम पिता परमेश्वर दे। इसे वास्ते श्रोमणी भगत भगत कबीर जी ने फरमाया, कबीर सेवा को दोए पलै, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे ना। मुक्ति दा दाता है राम परमेश्वर, सारयां दे अंदर वसदा है, घट घट मैं हर जू बसै, सारयां दे अंदरों बोलदा है, सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै। ऐसे वास्ते संत राम नूं चाहुंदे हन ते राम संतां नूं चाहुंदा है। भगत रविदास जी ने भी यह गल कह दिती, प्रभु ते जान जानी जाए, जानते सुहावा। जिस तरह पिता पुत्र नूं चाहुंदा है ते पुत्र भी पिता नूं चाहुंदा है।
बोलो वाहेगुरु। जो लोड़िंदो राम सेवक से ही कांडाया, नानक जाने सत साई संत ना बहरा। असली सेवक ओही किया जांदा है जेड़े राम नूं चाहुंदे ने, परमात्मा की प्राप्ति चाहते ने, सिमरन करते ने, सेवा करते ने, सत्संग करते ने। लोड़ींदड़ा साजन मेरा, घर घर मंगल गावो नीके, घट घट किसै बसेरा। वसदा हरेक थां ते है, अंदर भी है बाहर भी है, पर निरंकार जिस ते बख्शिश करता है उसनू हर पल हर समय दिखाई देंदा है, नाल सदा अंग संगे अपंगं विपूते। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। ओना सात पुरशां दी अवस्था बन जांदी है, बाहर राखियो हृदय समाल, घर आए गोविंद लैना। जो लड़िंदो राम सेवक से ही कांडिया, नानक जाने सत साई संत ना बाहरा। संतां तो बारा नहीं है, राम संत में भेद किश नाही, एक जन कई मैं लाख करो। सो संत बाबा सुचा सिंह जी ने जिथे सेवा कीती, सिमरन कीता, गुरु दा प्यार, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सत्कार आप भी कीता, संगतां नूं भी जोड़िया, एक नहीं अनेकां सैमीनार करा के खोज दे कार्ज भी कीते अते करवाए। फुरमाउंदे सन उन्हां दा इको एक वचन कह के समाप्ति करदे आं, पढ़दे आपां वी सारे हाँ, आ गया पई अकाल की तभी तलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की ते, जाका हिरदा शुद्ध है खो शब्द मैं, पर हाथ जोड़ के माफी मंग लवां। इको एक बेनती करदे आं, असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु ते मनदे हां, पर जो गुरु दा हुक्म है वह विरले ही कमाउंदे ने। यह नहीं कि कोई नहीं कमाउंदा, विरले कमाउंदे ने। महापुरखां दे पुरातन वचन हन, जिहड़ा माता पिता की आग्या विच बच्चा नहीं चलता वह कदे गुरु की आग्या विच किवें चल सकेगा, नहीं चलेगा। संतां महापुरखां दे हुक्म विच किवें चलेगा, नहीं चल सकता। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। हुण गुरु का जो हुक्म है वो आप सारिआं नूं पता है, मैं बहुते विस्थार विच ना जावां, इत्थे ही अपने बचनां नूं विश्राम देवां। गुरु ने जो हुक्म दसिया, जो पंज ककारां दी रहत, चार बजर कुरहतां तो बचना, जो जीवन दा ढंग गुरबाणी ने दसिया, मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पात्र रूप न पेखै नेतर, साध की टहल संत संग हे, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। अर्थ कोई महंगे नहीं, कोई औखे नहीं, कि साढ़े जीवन विच रहत है। ये आपो अपने अंदर विचार कर लेना,
गुरु दे हुकम विच गुरु दी आग्या विच चल के जिस तरह संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने सेवा कीती, सिमरन कीता, जितनी भी संगत आई गुरु साहब जी दे नाल जोड़िया, अपने नाल नहीं, क्योंकि जोड़न हारा संत नानक पात्र पत्रो। अखीर ते बेनती ये हुई है, सेवा कर लईए, गुरु दी आग्या विच चल लईए, नाम जप जप के नाम तन इकट्ठा कर लईए, संच हर तन हरी दा तन इकट्ठा। आ हुणे माया दी गाथा बाबा गुरमीत सिंह जी दस रहे सन, माया ते माई माया शल त्रिन की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जल, साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार। सो बेनती है, संच हर तन पूज सतगुर, सतगुर नू पूजना है, सत्कार करना है, प्यार करना है, ते गुरु का वचन भी कमाना है। छोड़ सगल विकार ते विकारां दा त्याग, सब तो वड़ा विकार है लोभ, बाकी ते पांच आपां नू पता ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लोभ विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मानमुख मूड अज्ञानी कहिए, तन मस्तक भाग मंदेरा। सो बेनती है, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिन तू सास सवारिया, हर सिमर होए उतार। सारे ही प्रबंधक जन संत बाबा सोहन सिंह जी, प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी, प्रिंस प्रिंसीपल जसपाल सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी, जिन्हां ने उद्यम करके संत बाबा सुच्चा सिंह जी की प्रेरणा का सदका अपना सारा जीवन इस लेखे ला दिता। सतगुरु इन्हां दियां सेवावां नूं प्रवान करन, इसे तरह ही देह रूपता बखते हुए वध चढ़ के सिख जगत दियाँ, सिख पंथ दियाँ सेवावां करते रहन। सारे ही सिंह साहिबान दा, प्रोफेसर जना दा बहुत बहुत धन्यवाद। होइयां भुल्लां खिमा कर देनियां, गुरु नाल गुरमंत्र नाल गुर शब्द नाल जुड़ के फेरे लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मेले। पुल चुक दी खिमा बख्शनी, देहो असीस बुलाओ फतेह, पाओ फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।